आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसा बिजनेस आइडिया लेकर आया हूं जहां पर आप अगर इस बिजनेस को करते हो तो आपको 365 दिन ये चलेगा और जब तक ये बिजनेस चलेगा तब तक आपकी कमाई होती रहेगी, दिन प्रतिदिन आपका बिजनेस बढ़ता ही जाएगा। यहां पर दोस्तों मैं सबसे पहले आपको बता दूं, इस बिजनेस में थोड़ा सा आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अगर आपको इस बिजनेस से अच्छा खासा पैसा निकालना है तो आपको इन्वेस्टमेंट तो इसमें करना ही पड़ेगा। थोड़ा सा आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये बिजनेस ऐसा बिजनेस है जो कि हर दिन काम आने वाला बिजनेस है, हर दिन ये चलेगा। तो आप थोड़ा सा इसको क्वालिटी वगैरह भी अच्छी खासी रखोगे तो ये बिजनेस आपको इतना ज्यादा प्रॉफिट देगा जितना आप सोच नहीं सकते। मैं बात कर रहा हूँ टिश्यू पेपर मेकिंग बिजनेस। यहाँ पर दोस्तों टिश्यू पेपर आपने देखे होंगे आए दिन, आज रेस्टोरेंट है, मॉल है, चाहे वो कैफे हो, सब जगह आपको टिश्यू पेपर देखने को मिलेंगे। और आजकल छोटे 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 ठेले वाले भी जो मोमोस वगैरह पेटीज वगैरह बनाते हैं वो भी टिश्यू पेपर रखने लग गए हैं और टिश्यू पेपर का यूज करते हैं। तो टिश्यू पेपर मेकिंग बिजनेस आप यहां पर शुरू कर सकते हो। टिश्यू पेपर की लागत बिल्कुल कम आती है और ये बिजनेस ऐसा है जिसको आप स्टार्ट करोगे तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिट ही मिलेगा, लॉस इसमें कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि आप सभी जानते हो कि टिश्यू पेपर वाला बिजनेस कितना ज्यादा ट्रेंडिंग में है आजकल। छोटे से छोटा मॉल हो चाहे बड़े से बड़ा मॉल हो, सब जगह जितने भी रेस्टोरेंट आपको देखने को मिलेंगे उनमें कहीं ना कहीं टिश्यू पेपर आपको देखने को मिलेगा। और छोटे से छोटे ठेले वाले भी आजकल टिश्यू पेपर रखने लग गए हैं। तो कितना ज्यादा इसकी जो है मतलब सेलिंग है आप इससे अंदाजा लगा सकते हो। तो टिश्यू पेपर बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सब कुछ आपको ओवरव्यू देता हूँ। टिश्यू पेपर बनाने के लिए आपको सबसे पहले एक मशीन खरीदनी पड़ेगी जिसकी कॉस्ट आएगी 4 से 5 लाख रुपए। अगर आपको अच्छा खासा एक बिजनेस स्टार्ट करना है तो थोड़ा सा आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, मैं खुद आपसे कह रहा हूँ। आपको एक मशीन देख लेनी है, टिश्यू पेपर मेकिंग मशीन। काफी सारे इंडिया में सेलर्स हैं, आप चाहो तो किसी से भी ले सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा आप जहां से भी आपका नियरेस्ट सिटी है, चाहे आपका नियरेस्ट सेलर है उसके पास जाकर आप एक बार बात कर लीजिए। आपको जो भी मशीन अगर अच्छी खासी मिलती है तो आप ले लीजिएगा। अलग अलग आपको मशीन्स देखने को मिलेगी, वो आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर देंगे कैसे आपको मशीन लेनी है, कितना आपको मार्जिन मिलेगा, कितना आपको जैसे कि कितना ज्यादा मैन्युफैक्चर आपको करना है पर डे का। तो इस तरीके से आप ले सकते हो मशीन। मशीन आपको पड़ेगी लगभग 4 से 7 लाख रुपए के बीच में आपको मशीन्स मिलेगी अलग अलग वेरियंट में। मशीन आप खरीद लीजिएगा। मशीन खरीदने के बाद आपको टिश्यू पेपर के लिए आपको कागज लेना है। कागज के जो बंडल होते हैं वो आपको मिलेंगे 50 से 60 रुपए के जी में, आपको बंडल मिल जाएगा। ज्यादा से ज्यादा 70 रुपए के जी अगर आपको अच्छी क्वालिटी का बंडल लेना है तो 70 से 80 रुपए के जी, वरना 50 या 40 रुपए किलो के हिसाब से आपको बंडल देखने को मिल जाएंगे। उन बंडल को आप खरीद लीजिएगा। रॉ मटेरियल जिसको बोलते हैं वो रॉ मटेरियल होता है टिश्यू पेपर का। उन मशीन को आप खरीद लेना, उन रॉ मटेरियल को भी आप खरीद लेना। खरीदने के बाद आप चाहो तो उसे एक कमरे के अंदर भी सेटअप कर सकते हो, आप चाहो तो उसे बड़ी इंडस्ट्री में भी सेटअप कर सकते हो। लाइट से वो चलती है तो लाइट वगैरह का आपके पास बिल्कुल मतलब होना चाहिए, व्यवस्था आपकी होनी चाहिए लाइट वगैरह की, आपके पास अच्छी खासी खपत होनी चाहिए लाइट की, जहां पर अच्छी खासी सप्लाई मिले। लगा लीजिएगा। लगाने के बाद जैसे आप उस मशीन को चालू करेंगे वो मशीन धड़ाधड़ आपको टिश्यू बनाकर दे देगी। फुली ऑटोमेटिक मशीन रहेगी, आपको कोई भी इसमें वर्कर की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ 1 से 2 वर्कर आपको चाहिए पैकिंग वगैरह करने के लिए और रोल वगैरह लगाने के लिए मशीन में। मशीन को ऑपरेट करने के लिए भी आपको कोई ज्यादा मगजमारी करने की जरूरत नहीं है। जैसे आप एक बार चलाओगे मशीन अपना काम करती रहेगी, आप सिर्फ उनको कटिंग वगैरह जैसे होगी, कटिंग वगैरह होने के बाद उनको सिर्फ आप पॉलिथीन वगैरह में रखकर पैक कर दीजिएगा और मार्केट में आप आसानी से अच्छी अच्छी डील्स कर सकते हो, सेलर के साथ अच्छी अच्छी डील्स कर सकते हो। पत्तल धोने की शॉप पर जाकर आप उन्हें बेच सकते हो। आप चाहो तो रेस्टोरेंट से भी डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हो जिससे आपका काफी अच्छा मार्जिन निकल जाए। सबसे बड़ी बात होती है टिश्यू में अगर आपने अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड कर दी तो आपका टिश्यू बहुत ही अच्छी तरीके से बिकने लगेगा मार्केट में। क्योंकि लो टिश्यू भी बिकते हैं और हाइएस्ट जो अच्छी क्वालिटी के टिश्यू है वो तो खैर बिकते ही है मार्केट में। अच्छी क्वालिटी के टिश्यू सबसे ज्यादा बिकते हैं क्योंकि आप सभी ने देखे होंगे बड़े बड़े रेस्टोरेंट आपको हल्की क्वालिटी के टिश्यू नहीं देंगे, वो अच्छी क्वालिटी के टिश्यू ही देते हैं जिससे आप बढ़िया से हाथ बात मुंह मुंह सब पहुंच सको। और फिर भी वो कागज इतना ज्यादा स्मूथली रहता है कि वो फटता नहीं है। और जो आपने लो क्वालिटी के टिश्यू देखे होंगे वो बिल्कुल हाथ पहुंचते ही फटने लग जाते हैं। तो ऐसे टिश्यू की अगर आपने क्वालिटी मेंटेन कर ली तो आपका बिजनेस दिन रात चलने वाला बिजनेस है। आप इसको छोटे से इन्वेस्टमेंट में शुरू कर सकते हो और बड़े इन्वेस्टमेंट तक इसे लेकर जा सकते हो।
आप छोटे मोटे रेस्टोरेंट वगैरह को भी टारगेट कर सकते हो, उनको अच्छी डील में आप टिश्यूज प्रोवाइड कर सकते हो। जो भी आपका कॉस्ट है, आप उससे लगभग 20 से 50 रुपए भी अगर कमाओगे, कॉस्ट से आप 20 या 30 रुपए भी ज्यादा कमा लोगे पर पैकिंग पे, तो भी आपको काफी अच्छा मुनाफा होने वाला है। तो आई होप दोस्तों आपको ये बिजनेस आइडिया काफी अच्छा लगा होगा। ये छोटा सा बिजनेस आइडिया था। अगर आपको कुछ भी जानकारी लेनी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, या फिर ऐसे ही नई नई वीडियोस बिजनेस रिलेटेड देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू गाइस, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।